सिंगरौली में एनटीपीसी सीएसआर व संजीवनी अस्पताल द्वारा निशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर एस के खरे ने लोगों को अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाने के लिए कहा और 100 से अधिक लोगों की जांच कर उचित परामर्श एवं निशुल्क दवा दी। सिंगरौली में सीएसआर एवं संजीवनी अस्पताल द्वारा निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वनिता समाज अध्यक्ष जयिता गोस्वामी के साथ एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारीगण ने किया। इस आयुर्वेद शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को आयुर्वेद के बारे में जानकारी देना और आसपास के क्षेत्र में निशुल्क चिकित्सा एवं सेवाएं उपलब्ध कराना था। इस दौरान डॉक्टर एस के खरे ने सीएसआर एवं संजीवनी चिकित्सालय के सभी सदस्यों को आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर आयोजन के लिए बधाई दी और साथ ही शिविर में लोगों को अपनी दिनचर्या में आयुर्वेद को अपनाने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनटीपीसी सिंगरौली भविष्य में भी समग्र चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाती रहेगी। वहीं उन्होंने सभी ग्रामीणों से निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का लाभ उठाने की अपील की। इस आयुर्वेद शिविर में आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर पी के पांडे ने 100 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य की जांच की तथा उन्हें उचित परामर्श एवं निशुल्क दवा दी। आज एनटीपीसी सीएसआर शक्तिनगर और संजीवनी हॉस्पिटल शक्तिनगर के साथ में मिलकर एक आयुर्वेदिक कैंप चिरकाडांग बस्ती में किया जा रहा है, क्योंकि हमारे सीएसआर ओम प्रकाश जी और हमारे जो सरपंच है चिक्का डाल के, उन्होंने इस कैंप को या जो पंचायत भवन में आयोजित किया है, जिसका उद्घाटन हमारे मैडम श्रीमती गोस्वामी अध्यक्ष वनिता समाज ने किया है। इस कैंप का उद्देश्य आयुर्वेद का लोगों में थोड़ा सा प्रचार और ज्ञान बढ़ाने का उद्देश्य है। ये हमारी एनटीपीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत किया जा रहा है, जिसमें आयुष मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि ऑल ओवर इंडिया इन्होंने बहुत सारे हजारों कैंप्स आयोजित कर रहे हैं। अभी इस तारतम्य में हम लोग आयुर्वेदिक कैंप किए हैं, अगले एक हफ्ते बाद 11 तारीख को अस्पताल में होम्योपैथिक कैंप भी करेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को एलोपैथिक और आयुर्वेदिक के बारे में जानकारी बढ़ाना है, ताकि इन सुविधाओं का, जो कि छोटे स्तर पर भी अवेलेबल हैं लेकिन उनकी जानकारी नहीं होने से लोग अभी भी अंग्रेजी दवाइयों का ही ज़्यादा सेवन करते हैं। इसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना है, साथ में आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक चिकित्सा, क्योंकि बहुत बीमारियों में कारगर भी होती है, उसका लाभ लोग उठाएं। और एलोपैथिक के कंपेरिजन में ये थोड़ी सुविधाजनक है, सस्ती भी है, तो सभी का ये उद्देश्य है कि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें, लाभ उठाएं और आने वाले समय में आयुर्वेद और होम्योपैथिक या दूसरे आयुष जो चिकित्सा पद्धति है उनमें अपना योगदान लें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।